इंदिरा गांधी के अंदाज में भाजपाइयों पर टूट पड़ी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। राजनीति में मच गया भयंकर बवाल, जहां आपको तय चले कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तीसरे चरण के चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कर्नाटक के गुलबर्गा में पहुंची, जहां पर उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए एक भव्य रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस इस बार कर्नाटक में कम से कम 20 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने जा रही है। जब से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यह तगड़ा ऐलान कर दिया, उसके बाद से भाजपाइयों में भयंकर हड़कंप सा मच गया है। लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह भाजपाइयों और माफिया पर जबरदस्त तरीके से अटैक करते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले आपको प्रियंका गांधी का ये पूरा वीडियो भी दिखा देते। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई, प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है, सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए, इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। तो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर चुन चुन कर भाजपाइयों प्रियंका गांधी अपना गुस्सा झाड़ते हुए नजर आ रही है। लेकिन जैसे वह मंच की ओर प्रवेश कर रही थी तो हाथ हिलाकर प्रियंका गांधी ने जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार किया। फिलहाल जिस तरीके से आज कर्नाटक के गुलबर्गा में प्रियंका गांधी की दहाड़ से भाजपाइयों में हड़कंप मच गया, उसके बाद से राजनीति में भयंकर बवाल मचा हुआ है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।